बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूकॉन कनाडा की एक टेरिटरी है, एक प्रोविंस है जो अपना प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलाता है। इसके अंडर डिफरेंट स्ट्रीम्स काम करती हैं। इसकी बहुत ही एक फेमस स्ट्रीम यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, जिसके बारे में आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी। मैं भी ऑलरेडी दो वीडियोज़ इस प्रोग्राम के बारे में बना चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम की दो ऐसी स्ट्रीम्स के बारे में जिनमें तमाम ऑक्यूपेशंस ओपन हैं। हर ऑक्यूपेशन से तल्लक रखने वाले लोग इन स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स चाहिए होती थी, लेकिन एक जॉब ऑफ़र लेना भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जब वो कनाडा से बाहर हैं और अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए ऑनलाइन। तो उसका एक सोल्यूशन यूकॉन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की दो और स्ट्रीम्स जिनमें तमाम ऑक्यूपेशंस ओपन हैं और उनमें 2 से 3 जॉब ऑफर्स की भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहली है क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम और दूसरी है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। इन दोनों स्ट्रीम्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वो मैं तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत हैं इन स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई करने के लिए और इनमें अप्लाई करने का ख़र्चा कितना आएगा। इन दोनों स्ट्रीम्स में फ्रेंड्स बहुत ही ख़ास बात यह है कि यूकॉन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं एम्प्लॉयर्स को कि जब भी वो किसी फॉरेन वर्कर को हायर करेंगे इन दोनों स्ट्रीम्स के अंडर, तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होगा कि वो फॉरेन वर्कर को आने का ख़र्चा दे, यानी आपके एयर टिकट का ख़र्चा एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा, वो आपको एयर टिकट प्रोवाइड करेगा। ये मैं आपको आगे प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि उनके जिनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या ऐसी बात कमेंट्स में लिख देते हैं जैसे मैं कोई ख़ुद से या फेक बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी फेक बात नहीं करता, बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल बात करता हूं जो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल्स पे बातें मेंशन होती हैं, सिर्फ वही डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। और ये भी बिल्कुल रियल और अथेंटिक बात है कि अगर इन स्ट्रीम्स के अंडर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपका आने का ख़र्चा, आपके एयर टिकट का ख़र्चा एम्प्लॉयर पे करता है। तो फ्रेंड्स इन स्ट्रीम की डिटेल्स जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे है यूकॉन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का ऑफिशियल पोर्टल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस वेबसाइट को ख़ुद विज़िट कर सकते हैं। यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट स्ट्रीम्स काम करती हैं, क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, एक्सप्रेस एंट्री और यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के बारे में बहुत सी वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे जिनमें आपको 2 से 3 जॉब ऑफर्स ज़रूरी चाहिए होती हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम और स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जिन लोगों का ऑक्यूपेशन स्किल लेवल सी और स्किल लेवल डी के अंडर आता है वो लोग क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी सेमी स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स, ये दोनों कैटेगरीज क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे वो बहन भाई, मेरे व्यूअर्स जिनका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0, A और B के अंडर आता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर। और एग्जांपल के लिए भी इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन है नॉक कोड 6711 फूड काउंटर अटेंडेंट किचन हेल्पर्स एंड लेबरर्स, इस ऑक्यूपेशन से अगर आपका तल्लक है तो ये ऑक्यूपेशन स्किल लेवल डी के अंडर आता है और इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम के अंडर। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया तो किचन हेल्पर्स की काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस वक्त यूकॉन में। तो मेरे वो बहन भाई, मेरे दोस्त जिनका ऑक्यूपेशन किचन हेल्पर है तो वो लोग ज़रूर यूकॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है इस वक्त यूकॉन में जॉब्स के लिए, क्योंकि जब से कनाडा ने अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस स्पीड अप किया है यूकॉन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है, नए बिज़नेस ओपन हो रहे हैं और फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है यूकॉन में जॉब्स लेने का, क्योंकि कनाडा में रहने वाले लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं यूकॉन मूव होने को, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सख्त होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो उस बैड वेदर से बचने के लिए लोग प्रेफर नहीं करते, वो यूकॉन मूव नहीं होना चाहते।
लेकिन मेरे वो बहन भाई, मेरे दोस्त जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन मुल्कों से कनाडा मूव होना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा चांस है कि अगर वो यूकॉन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ईजीली जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है। इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट होती है जॉब ऑफ़र लेटर, लेकिन इसमें आपको एक ही जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए। यूकॉन टेरिटरी के किसी भी सिटी से, किसी भी एम्प्लॉयर से आप लोग ये जॉब ऑफ़र लेटर ले सकते हैं। आपने अपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना है अपना नॉक कोड, स्किल लेवल और किस स्ट्रीम के अंडर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड इन दोनों स्ट्रीम्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको वो पहले बता देता हूँ कि क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर स्ट्रीम, इसमें एक्सपीरियंस का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 मंथ्स, यानी आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस प्रूव करना है अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। आपको इसमें आइल्स की ज़रूरत होती है मिनिमम CLB 4, और जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन आपने प्रूव करनी है और उसका ECA भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल B के अंडर आता है तब आपके लिए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 1 साल, और जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम CLB 5, और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट सेम है, आपके पास ECA होना चाहिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट का। और स्किल लेवल B के लोग मैं आपको पहले भी बता चुका कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ऑक्यूपेशन स्किल लेवल 0 और 1 के अंडर आता है तो भी आपके लिए है स्किल वर्कर स्ट्रीम, जिसके लिए आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और आइल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इसमें मिनिमम 7 बैंड्स में आपने आइल्स क्लियर करना है, और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें भी सेम है, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल और उसका ECA। इन स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई करने के लिए इनकी एक एप्लीकेशन गाइड मौजूद है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो गाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम क्रिटिकल इंपैक्ट वर्कर्स क्राइटेरिया अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड फ्री टू नॉमिनीज, यानी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस दैट गिव सिमिलर कवरेज टू व्हाट अ यूकॉन रेजिडेंट गेट्स अंडर द हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्लान, यानी जो यूकॉन में रहने वाला एक कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हेल्थ कवरेज की फैसिलिटीज़ लेता है, सेम वही फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेंगी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, एम्प्लॉयर्स मस्ट पे फॉर द एयर ट्रेवल कॉस्ट फॉर द नॉमिनी टू कम टू यूकॉन फ्रॉम हिज हर प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। आपके एयर ट्रेवल का जो भी खर्चा आएगा वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। अब स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम स्किल्ड वर्कर क्राइटेरिया, और जब हम इसमें एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स में नीचे आते हैं तो वही सेम, एम्प्लॉयर मस्ट पे फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस, और नीचे लिखा है एम्प्लॉयर मस्ट पे फॉर द एयर ट्रेवल कॉस्ट फॉर द नॉमिनी टू कम टू यूकॉन। आपके एयर ट्रेवल का ख़र्चा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो फ्रेंड इसका प्रोसेस कुछ ऐसे होता है कि जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, एम्प्लॉयर आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा जो आपने साइन करके एम्प्लॉयर को वापस भेजना होता है, तो तब आपका एम्प्लॉयर यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम को अप्लाई करता है आपके वर्क परमिट के लिए। ये एक परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम है, इसमें आपको इन द एंड PR मिलता है, और जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है तो आप लोग वर्क परमिट पे विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो आपके एयर टिकट का ख़र्चा एम्प्लॉयर पे करता है ये सिर्फ आपके लिए होता है, मेन एप्लीकेंट के लिए, फैमिली के लिए अगर आपने टिकट लेना है तो वो आपको खुद खर्चा करना होता है। तो आप लोग विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं वर्क परमिट पे, यहाँ के काम शुरू कर सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आपके पास 3 महीने का टाइम होता है जिसमें आपने PR के लिए अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड इसमें अप्लाई करने का क्या ख़र्चा है, अब यहाँ लास्ट में मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। एप्लीकेशंस आर फ्री ऑफ चार्ज, यानी यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम की इन दोनों स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई करने के लिए कोई ख़र्चा नहीं आता, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको यूकॉन के किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिल जाता है तो बिल्कुल फ्री आप लोग इन स्ट्रीम्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके बारे में आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स या ईमेल पे पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पे है। और फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।